फ्रेंड्स वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो ब्रिज द वन स्टॉप यूट्यूब चैनल फॉर गेट प्रिपरेशन. टुडे टॉपिक इज प्राइम इम्प्लिकेंट्स एंड इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो टॉपिक है ये गेट में आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक टॉपिक आता है, कवर होता है. तो बिफोर स्टार्ट दिस इज अबाउट मी 11 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एट हाईली रेपुटेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट. Mentor more than 20,000 students and PhD pursuing from Jamia Millia Islamia in control system. In the control system and cleared BEL, CL, Airport Authority, NFL and GATE 5 times. Okay. And this is my ritual timing, digital electronics. 1 p.m. is digital electronics and 7 p.m. is signal and system. Okay. आप मुझे फॉलो कर सकते हो unacademy.com पे @singabhishek.0284. दिस इज माई प्रोफाइल, अनअकेडमी प्रोफाइल, आप वहां विजिट कर सकते हैं. एंड दिस इज द माई कोड अभी लाइव. अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन? दीज आर द फीचर्स: अनलिमिटेड एक्सेस एंड tips and tricks to increase your score, and the test series that are given by the top educator, and the level of the question is GATE level question. Okay, and dedicated doubt clearing session. ये बहुत important feature है, क्योंकि students के लिए सबसे ज़्यादा issue जो होता है वो ये रहता है कि सब जब हमारे doubt आते हैं तो हमें doubt के लिए कोई एक specific class assign होनी चाहिए. तो यहाँ पर ये आपका time to time हमेशा dedicated आपका होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा. और जो भी सेशन होगा उसको वीडियो और उसका पीडीएफ आपको मिलेगा. एंड आप रियल टाइम में इंटरेक्ट कर सकते हो. आप किसी भी इंडिया के किसी भी शहर में हो, आप थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द आप जो है लाइव क्लासेस, ठीक है, आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो. स्पेशल क्लासेस के थ्रू आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो. तो ये भी बहुत अच्छा एक है. ये फीचर उनके लिए कि कई स्टूडेंट्स रिमोट एरिया में जहाँ पे बहुत सारी अवेलेबिलिटी नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो वो एक अच्छी क्वालिटी को आप जो है एक्सेस कर सकते हो थ्रू द अनअकैडमी. एंड दीज आर द गेट एजुकेटर, आप इनको भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. एंड दिस इज द विंडो फॉर द स्पेशल क्लास. स्पेशल क्लास में ये आपका टॉपिक रहेगा, कौन सा टॉपिक रहेगा, किस डेट को लिया जाएगा, ये सारा का सारा मेंशन रहता है. एंड दिस इज द कोर्स स्टार्टिंग सून, जो भी कोर्स स्टार्ट होने वाला होगा उसके बारे में रहता है. एंड दीज आर द इजिएस्ट वे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योर अनअकैडमी गेट ऑनलाइन प्रोग्राम. फर्स्ट बेनिफिट ये है कि फ्लेक्सिबल शेड्यूल है आपका. फ्लेक्सिबल शेड्यूल का मतलब ये है, कई बार स्टूडेंट्स को ये रहता है इशू कि जो वर्किंग है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए टाइम कंस्ट्रेंट रहता है कि हम सर इवनिंग में ही क्लास का लगा सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग टू इवनिंग हमारी क्लास रहती है या हमारा ऑफिस रहता है. तो उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है ये, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है आपका. दूसरा ये है कि लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस है, आप जिस भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, हिंदी में कंफर्टेबल है आप तो हिंदी में आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे. एंड अनलिमिटेड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस खूब सारा यहाँ पे करना है आपको, बताया जाएगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते जाओगे. सबसे पहले क्या करना है, कंसेप्ट को हमें बहुत ही रिफाइंड वे में करना है, कंसेप्ट हमें फोकस करना है. जब कंसेप्ट आपका सही हो जाएगा तो उसके बाद आप कई सारे क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखना आपको मजा आने लगेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे यार ये कंसेप्ट को यूज करके मैंने जो गेट के पिछले 25 इयर्स के 30 इयर्स के मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. तो ये बड़ा बेनिफिट, अच्छा बेनिफिट है. ये आपका स्पेशल क्लास का विंडो है. स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. इसका प्लस पॉइंट क्या है स्पेशल क्लास का, एक तो ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और यहाँ पे क्या आता है, ये एजुकेटर का फोटो यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे कंटेंट, जो भी एजुकेटर कंटेंट लिखेगा वो देखा जाएगा. और यही दिस इज द कमेंट सेक्शन, दिस इज द कमेंट सेक्शन. ओके, अगेन दिस इज द माय कोड अभी लाइफ. अगर आप मेरा कोड अभी लाइफ यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. और देखिए 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन फीस कितना है, 40,000 है. 2 साल के लिए आपको 40,000 रुपीज है आपका. अगर कोड यूज करोगे तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको पे करना होगा 36,000. आप मंथली भी देख सकते हैं, मंथली 1 मंथ के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको 5,000 पर मंथ है. अगर आप 3 मंथ का लेना चाहते हैं तो 4,167 है पर मंथ. सेम 6 मंथ के लिए 3,333 है, 12 मंथ का 2083 एंड 24 मंथ का 1667.
तो जो भी आपके इसमें कई सारे मॉड्यूल है, जिस भी मॉड्यूल में आप एडमिशन लेना चाहे आपको वहां पे मिल सकता है। सेम वन ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन फीस है 25,000। अगर आप वन इंस्टॉलमेंट में जमा करते हैं आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हो अभी लाइव, तो फिर आपको 22,500 पे करना होगा। दूसरा, ये सारे के सारे फीचर्स जो है आप जो है अपने मोबाइल पे थ्रू द ऐप आप एक्सेस कर सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, और वहां से आप क्या करिएगा, आफ्टर डाउनलोडिंग आप जो है गेट पे जाइए, ठीक है, इतने सारे ऑप्शन है, गेट वाले ऑप्शन को आप चूज करिए। देन आफ्टर जब आप मेरा कोड यूज करोगे ना अभी लाइव, तो आपको ऑलरेडी 10% का डिस्काउंट होकर 36,000 आपको पे करना होगा। ओके, चलिए प्राइम इम्प्लिकेंट। प्राइम इम्प्लिकेंट्स, प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या होता है? दिस इज द प्रोडक्ट। प्राइम इम्प्लिकेंट्स इज अ प्रोडक्ट टर्म, तो वी कैन से दैट दिस इज द प्रोडक्ट टर्म, प्रोडक्ट टर्म ऑप्टेन बाय, ऑप्टेन बाय कंबाइनिंग मैक्सिमम, दिस इज द प्रोडक्ट टर्म ऑप्टेन बाय कंबाइनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम इधर लिख रहा हूं, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एडजेसेंट स्क्वायर्स, एडजेसेंट स्क्वायर्स, ठीक है। तो दिस इज द प्रोडक्ट टर्म ऑब्टेन बाय मैक्सिमम नंबर, पॉसिबल नंबर ऑफ एडजेसेंट स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एडजेसेंट स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें क्या आता है आपका, द नेक्स्ट वन इज योर डिस्टिंग्विश्ड वन सेल। डिस्टिंग्विश वन सेल क्या होता है? डिस्टिंग्विश वन सेल में कोई भी सेल का वन जो केवल एक ही ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, किसी भी सेल का वन, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने पेयर बनाया है और क्वेड बनाया है, लेकिन पेयर में एक सेल का वन जो है केवल पेयर के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, क्वेड के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, तो वो आपको क्या कहा जाएगा, डिस्टिंग्विश वन सेल। तो वी कैन से दैट द डिस्टिंग्विश वन सेल इज नथिंग बट योर द, दिस इज डिस्टिंग्विश वन सेल आर वंस दैट आर सर्कल बाय ओनली वन प्राइम इम्प्लिकेंट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज द वंस, वंस वंस का मतलब जो आपका सेल का वन, वंस दैट आर, दैट आर सर्कल बाय ओनली वन प्राइम इम्प्लिकेंट्स, दैट आर सर्कल बाय ओनली वन प्राइम इम्प्लिकेंट्स, ठीक है। ऐसा वन जो केवल एक ही प्राइम इम्प्लिकेंट के द्वारा इनसर्कल हो रहा है, तो वो आपका डिस्टिंग्विश वन सेल कहा जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स, एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स, the essential prime implicants that includes one or more distinguished one cell, इसको हम ये बोल सकते हैं that includes, that includes, includes one or more distinguished one cell, essential prime implicant API is that, that includes one or more distinguished one cell। तो आपका यह देखना है prime implicants,
product term obtained by combining maximum number of adjacent square, then distinguish one cell or ones that are circled by only one prime implicants and essential prime implicants that includes one or more distinguished one cell. अब इसके कुछ example देखते हैं. The example are that this is one 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 one. चलिए one 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 four one. अब हमें prime implicants बताना है. Prime implicants के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, जब भी आपको प्राइम इंप्लिकेंट चेक करना होगा तो आप रिडंडेंट ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, वो भी आपका प्राइम इंप्लिकेंट होगा. आप कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है प्राइम इंप्लिकेंट की, तो एक तो ये दोनों वन मिलके एक ग्रुप बनाया, फर्स्ट सेकंड प्राइम इंप्लिकेंट इज दिस, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज दिस एंड फिफ्थ इज दिस. ओके, व्हाइल द कंसिडरिंग द प्राइम इंप्लिकेंट्स यू कैन डू द रिडंडेंट ग्रुपिंग. तो यहां पे जो प्राइम इंप्लिकेंट्स होगा प्राइम इंप्लिकेंट्स इज 5. प्राइम इंप्लिकेंट्स इज 5. अब हमें नेक्स्ट देखना है. नेक्स्ट क्या देखना है कि कौन सा ऐसा वन ग्रुप का कौन सा ऐसा वन जो है केवल एक ही प्राइम इंप्लिकेंट के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, इस ग्रुप का कौन सा ऐसा वन. अब यहां देखिए, ये जो वन जो है, ये वन जो है केवल इसी ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, अदरवाइज ये जो वन इस ग्रुप के साथ भी इन्वॉल्व हो रहा है और इस ग्रुप के साथ भी इन्वॉल्व हो रहा है. इस ग्रुप का ये वन इस ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो रहा है और इस वाले ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो रहा है. इस ग्रुप का ये वन इसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, इसके साथ, यानी केवल ये वाला वन और ये वाला वन, ये दो वन ऐसे हैं जो केवल एक ही ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, तो डिस्टिंग्विश वन सेल में हम कैसे देखेंगे कौन सा ऐसा वन जो केवल एक ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो रहा है. तो कितने डिस्टिंग्विश वन सेल है, डिस्टिंग्विश्ड वन सेल इज 2. कौन कौन सा है? एक तो ये है और एक तो ये है. अब देखिए, डिस्टिंग्विश वन सेल, मैंने बताया था कि डिस्टिंग्विश वन सेल के बाद हम क्या चेक करेंगे, इसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट. तो इसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट में मैंने बताया ना दैट इंक्लूड्स वन और मोर डिस्टिंग्विश वन सेल. तो जो डिस्टिंग्विश वन सेल हमने बनाया है, जो भी डिस्टिंग्विश वन सेल हमने बनाया है, वो जिसकी वजह से वो जो ग्रुप फॉर्म हो रहा है वो ग्रुप जो होगा ईपीआई कहा जाएगा. अब अगर देखा जाए ये हमारे ईपीआई हो गए, ठीक है, इसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा. अब जब आपने ईपीआई के मैप में आपने ईपीआई फाइंड आउट कर दिया, तो उसके बाद ईपीआई को फाइंड आउट करने के बाद जो भी आपका मेन टर्म बच रहा है उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है ग्रुपिंग की. तो एक तो ये वाला इसके साथ इन्वॉल्व हो गया, ये इसके साथ डिस्टिंग्विश्ड इन्वॉल्व हुआ है, तो ये दोनों के दोनों ईपीआई होंगे. अब ये जो दोनों वन मिल रहे हैं इनकी पॉसिबिलिटी क्या है, ये दोनों वन मिलकर एक दूसरे के साथ ग्रुप बना रहे हैं. अगर उससे ज्यादा अगर आप पॉसिबिलिटी बना रहे हो,
आपने सोचा ये इसके साथ भी ग्रुप बना ले, ये इसके साथ भी ग्रुप बना ले, तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ पेड ग्रुप कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3। केवल इसका जो है एक ही पॉसिबिलिटी से ग्रुप की, क्या ये दोनों वन मिलके एक दूसरे के साथ ग्रुप बना ले। अगर इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज आप बनाओगे तो आप रिडंडेंट ग्रुपिंग करेंगे। तो यहां पे जो होगा एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट, एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट इंप्लिकेंट इज टू, एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट इज टू, ये वाला और ये वाला। आप एक आता है मिनिमल सम, मिनिमल सम का मतलब समझिए, स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होता है मिनिमल सम यहां पे क्या है, आपका वन है। मिनिमल सम वन का मतलब क्या है, ये जो के मैप है, के मैप में जो भी आपके मिन टर्म गिवन है, जो मिन टर्म गिवन थे उनको मिनिमाइज करके कितने तरीके से बनाया जा सकता है, वो है आपका मिनिमल मिनिमल सम। तो यहां पे जो मिनिमल सम आएगा एफ इक्वल्स टू, इसका क्या हो जाएगा, दिस इज ए बार बी सी, ए बार बी सी, ये क्या हो जाएगा ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार प्लस ए सी डी, ए सी डी, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या है, ये जो दोनों है ये दोनों आपके ईपीआई है, एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें आपका ईपीआई बताने को आ जाता है, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा वो पूछ देगा इसमें ईपीआई क्या है या प्राइम इंप्लिकेंट्स क्या है। तो यहां पे अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है मिनिमल सम सर ने वन लिखा है, कैसे लिखा है ये बताइए, ये कैसे लिखा है मैं बता रहा हूं इसका, कि आपका ये जो के मैप गिवन है उस के मैप को आपको मिनिमाइज करने का कितने वे में हम मिनिमाइज कर सकते हैं, तो वो होता है आपका मिनिमल सम, जैसे दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द मिनिमल सम। के मैप को मिनिमाइज करने का तरीका कितना हो सकता है उसको हम बोलते हैं मिनिमल सम। अगेन नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दिस वन, ठीक है। अब इसमें मैं बताना प्राइम इंप्लिकेंट कितना होगा, एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट कितना होगा और आपका मिनिमल सम कितना होगा। चलिए ग्रुपिंग देखते हैं, एक तो ये दोनों वन मिलकर पेयर बना लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। आप जो है प्राइम इंप्लिकेंट, अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, प्राइम इंप्लिकेंट को चेक करने में आप रिडंडेंट ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, वाइल कंसिडरिंग द प्राइम इंप्लिकेंट यू कैन ऑल्सो डू द रिडंडेंट ग्रुपिंग। तो यहां पे जो आपका प्राइम इंप्लिकेंट होगा, प्राइम इंप्लिकेंट इज सिक्स, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए नेक्स्ट क्या बनता है आपका, कौन सा ऐसा वन जो केवल एक ही ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये वन और ये वन, ये दोनों वन जो है, ये वन जो है केवल इस ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो रहा है और ये वन जो है केवल इस ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। उसके अलावा हर सेल का वन जो है, ये भी वन इसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है और इसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, इस सेल का ये वन इस ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, इस ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, इस सेल का ये वन इस ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, इसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है। तो केवल ये वन और ये वन जो है ये दोनों के दोनों एक ही ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं।
तो यहां पे डिस्टिंग्विश्ड वन सेल जो होगा डिस्टिंग्विश्ड वन सेल इज टू, और कौन सा होगा, एक तो ये हो गया और एक तो ये हो गया। अब देखिए इसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट देखते हैं, दो होंगे इसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट, कौन कौन सा होगा देखिए, ये दोनों के दोनों इसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट होंगे, दीज टू आर द इसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स, ये वन और ये वन मिलकर जो ग्रुप बना रहे हैं, ये वाला ग्रुप आपका ईपीआई होगा और ये वाला ग्रुप आपका ईपीआई होगा। नेक्स्ट आपका आता है मिनिमल सम, मिनिमल सम, मिनिमल सम इज थ्री। अब इसको मैं बता रहा हूं कैसे होगा, पहले ईपीआई लिख लेते हैं, एफ इक्वल्स टू व्हाट इज द ईपीआई, दिस इज योर ए बार सी डी, यहां पे ए बार हो गया सी डी बार, प्लस फॉर दिस ए बी बार सी बार, प्लस। अब देखिए पहली पॉसिबिलिटीज देखते हैं ग्रुपिंग की, ये दोनों वन मिलकर बना लिया ग्रुप और ये दोनों वन मिलकर बना लिया ग्रुप, ठीक है, ये दोनों वन मिलकर ग्रुप बना लिया और ये दोनों वन मिलकर ग्रुप बना लिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका ए बार बी सी, ए बार बी सी प्लस ए बी डी, कितने आपके लिटरल्स आ गए, 12 लिटरल्स आ गए। लिटरल्स क्या होते हैं, हर प्रोडक्ट टर्म का इंडिविजुअल वेरिएबल जो होगा वो लिटरल कहा जाएगा, इसमें थ्री लिटरल्स, इसमें थ्री है, इसमें थ्री, इसमें थ्री है, तो टोटल नंबर ऑफ थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री 12 लिटरल्स। अब दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा इसको कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ईपीआई तो सेम होगा ए बार सी डी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस, दूसरा ये हो सकता है आपका ये भी तो बना सकता है इसके साथ, ये दोनों वन और ये दोनों वन भी, देखिए इसमें भी अगर आप नंबर ऑफ ग्रुप देखेंगे तो देखिए वन टू थ्री फोर, फोर ही ग्रुप हो रहे हैं, यहां पे भी फोर पेयर्ड ग्रुप आए थे, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है आपका, दिस इज योर बी सी डी, बी सी डी प्लस ए बी डी, और थर्ड वे क्या है आपका मिनिमाइज एक्सप्रेशन का, प्राइम इंप्लिकेंट जो सेम होगा ए बार सी डी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस, थर्ड वे क्या हो सकता है आपका, क्या हो जाएगा, ये दोनों वन मिलके और ये दोनों वन मिलके, ये भी तो हो सकता है, इसमें देखिए वन टू थ्री फोर नंबर ऑफ पेड ग्रुप इज फोर प्लस बी सी डी बी सी डी, ये डी है बी सी डी प्लस फॉर दिस ए सी बार डी, ए सी बार डी, ये इतने वे हैं इनको रिप्रेजेंट करने का। अब अगर आप देखोगे यहां पे तो ये सारे केस में ये जो है ना, ये आपका क्या है, इसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट ईपीआई, इन ऑल केसेस
दिस इज योर ईपीआई एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट. ओके, दिस इज द ईपीआई एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट. तो आपका ये जो क्वेश्चन आता है, अब ये मिनिमल सम थ्री का मतलब समझ में आया. मिनिमल सम थ्री का मतलब ये है कि ये जो आपका मिनिमाइज एक्सप्रेशन आएगा जो के मैप का, उसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं. एक तरीका ये है ए बार सी डी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी डी. दूसरा तरीका क्या है, ए बार सी डी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस बी सी डी प्लस ए बी डी. और तीसरा तरीका क्या है, ए बार सी डी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस बी सी डी प्लस ए सी बार डी. इन ऑल थ्री केसेस अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ लेटर्स 12 आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं. मींस अगर आप कोई भी के मैप का मिनिमाइज एक्सप्रेशन अगर मोर देन वन वे में आप लिख रहे हो, तो ये जरूर चेक कर लेना कि हर वे में, हर आपका रिप्रेजेंटेशन का अगर तीन मिनिमल सम आ रहे हैं, चार आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, वॉट एवर, मिनिमाइज एक्सप्रेशन एक से ज्यादा आ रहा है, तो हर मिनिमाइज एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ लेटर्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए. अगर नंबर ऑफ लेटर्स वेरी कर रहा है तो उसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन, अगर आपका किसी में फोर लीटर्स आ रहे हैं, दूसरे में आपका फाइव लीटर्स आ रहे हैं, तीसरे मिनिमाइज एक्सप्रेशन में सिक्स आ रहे हैं, तो वो आपका वैलिड नहीं होगा जिसमें फाइव आ रहे हैं जिसमें सिक्स आ रहे हैं. वैलिड वही होगा जो जिसमें सबसे कम मिनिमम नंबर ऑफ लेटर्स होंगे. अगर एक से ज्यादा तरीके से लिख रहे हो तो ये जरूर मेक इट श्योर दैट कि इसमें जो है नंबर ऑफ लेटर्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए. अगर नंबर ऑफ लेटर्स सेम नहीं आ रहे हैं सारे केस में, तो सारे के सारे जो है वैलिड मिनिमल एक्सप्रेशन नहीं होंगे या वैलिड मिनिमाइज एक्सप्रेशन नहीं होगा. तो ये आपका जो है के मैप में इससे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मिनिमाइज एक्सप्रेशन ऑफ दिस. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. अब इसका भी हमें मिनिमाइज एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है. अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ, पहला एक तो ये वन ये वन ये वन ये वन मिलकर एक क्वाड बनाया. देखिए स्टूडेंट कहां पर मिस्टेक करता है. आपको मैंने बताया था कि प्राइम इंप्लिकेंट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजेसेंट स्क्वायर को. इट इज द प्रोडक्ट टर्म ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजेसेंट स्क्वायर. तो अगर आपने क्वाड बना लिया तो उसमें फिर आप पेयर नहीं बनाओगे. आप रिडंडेंट ग्रुपिंग कर सकते हो लेकिन ग्रुप के अंदर ग्रुप नहीं करोगे आप. मतलब क्वाड के अंदर पेयर नहीं बनाना है, ऑक्टेट के अंदर क्वाड नहीं बना देना. इससे क्या होगा, पता चलेगा ऑक्टेट के अंदर क्वाड बना दिया फिर क्वाड के अंदर पेयर बना दिया. तो ऐसे मिस्टेक बहुत स्टूडेंट्स करते रहते हैं. तो यहीं पर देखिएगा, उसको थोड़ा सा मैं क्लियरिफाई कर रहा हूं. अब ये वन ये वन ये वन ये वन मिलकर पेयर क्वाड बनाया, सॉरी. तो अब ये दोनों वन मिलकर आप पेयर नहीं बनाएंगे. क्यों? क्योंकि हमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजेसेंट स्क्वायर की ग्रुपिंग करनी है. तो आपका फिर दूसरा ग्रुप क्या बनेगा, ये दोनों वन मिलकर एक पेयर बना लिया, ये दोनों वन मिलकर एक पेयर बना लिया, ये दोनों वन मिलकर पेयर बना लिया, ये दोनों वन मिलकर एक पेयर बना लिया, और ये दोनों वन मिलकर भी पेयर बना सकता है. ये दोनों ये इसके साथ पेयर बना सकता है, लेकिन ये दोनों वन मिलकर, ये दोनों वन और ये दोनों वन मिलकर एक क्वाड बना लिया. अब देखिए फिर से कनेक्ट करते हैं, फिर से देखिएगा कनेक्ट क्या करते हैं, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं. देखिए ये चारों कॉर्नर के वन मिलकर एक क्वाड बना लिया, ये दोनों वन मिलकर एक क्वाड बना लिया. तो प्राइम इंप्लिकेंट्स इसमें देखते हैं पहले. कितने हो जाएंगे देखिए, एक तो ये हो जाएगा ये कॉर्नर वाला वन मिलकर, एक ही वेल में के दो तीन चार पांच
6, 7. तो आपका इसमें जो प्राइम इंप्लिकेंट होगा, प्राइम इंप्लिकेंट इज 7. फिर से मैं इसको वो कर रहा हूं, आपको कंफ्यूजन हो इसलिए दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं. देखिए कैसे 7 आए हैं प्राइम इंप्लिकेंट. पहला प्राइम इंप्लिकेंट ये, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज ये दोनों 1 और ये दोनों 1 मिलके इक्वेट बने हैं. सेकेंड, थर्ड इज दिस, ये 1, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7. तो ये इतने प्राइम इंप्लिकेंट हो गए. प्राइम इंप्लिकेंट इज 7. अब इसमें यह देखना है कौन सा ऐसा 1 जो केवल एक ही ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो रहा है. तो अब अगर आप देखोगे तो ये वाला 1 केवल स्क्वायर के साथ इन्वॉल्व हो रहा है और ये वाला वन जो है स्क्वायर के साथ इन्वॉल्व हो रहा है. अदरवाइज हर ग्रुप में ये 1 देखोगे तो इस पेयर के साथ इन्वॉल्व हो रहा है और क्वाड के साथ इन्वॉल्व हो रहा है. तो किसी भी सेल का 1 केवल एक ग्रुप के साथ इन्वॉल्व होगा तो वो डिस्टिंग्विश 1 सेल कहा जाएगा. तो आपका हर सेल का 1 देखोगे, इस सेल का भी 1 जो है 2 ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, इस सेल का 1 भी 2 ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, इस सेल का 1, इस सेल का 1, बट केवल ये वाला 1 जो है, इस सेल का ये 1 और इस सेल का ये 1 केवल एक ही ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो रहा है. तो उसके करस्पॉन्डिंग हम ग्रुप देख लेते हैं कौन सा होगा. ये कौन सा होगा, ये हट गया, ये. तो डिस्टिंग्विश 1 सेल जो होगा, डिस्टिंग्विश 1 सेल सेल इज 2, कौन कौन सा, एक तो ये वाला 1 और एक ये वाला 1, ठीक है. अब आपका आता है एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट, एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स, दिस इज 2, कौन कौन सा, एक तो ये एसेंशियल है और एक ये एसेंशियल है. मिनिमल सम, मिनिमल सम इसमें 1 आएगा. कैसे आएगा देखिए, मिनिमाइज एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, पहले हम ईपीआई लिख लेते हैं. ईपीआई क्या क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा आपका बी बार डी बार प्लस बी बार सी, बी बार डी बार प्लस बी बार सी, ये आपका ईपीआई हो गया. उसके बाद जो आपका बच रहा है, इनके ग्रुपिंग की पॉसिबिलिटी देखिए, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 मिलके, तो हमने क्या किया, इन दोनों 1 को मिलकर एक पेयर बना लिया, इन दोनों 1 को मिलकर एक पेयर बना लिया. इसके अलावा जो भी अगर आप ग्रुपिंग करते हो, क्या ग्रुपिंग करते हो, आपने सोचा कि हमने इसके साथ पेयर बना लिया, हमने इस 1 का इसके साथ पेयर बना लिया, इस 1 का इसके साथ पेयर बना लिया, तो आपने जो है रिडंडेंट ग्रुपिंग कर दी. देखिए इसमें जो नंबर ऑफ पेयर ग्रुप आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं, बट इसके अलावा जो भी आप बना, जैसे मान लो आपने सोचा कि हम इसके साथ पेयर बना लिया फर्स्ट, इसके साथ बना लिया सेकेंड और इसके साथ बना लिया थर्ड, तो कितने आपके ग्रुप आ जाएंगे, 3 ग्रुप आ गए. इसके पहले वाले किस्म कितने आ रहे थे, 2 ग्रुप आ रहे थे पेयर ग्रुप. इसके अलावा कोई भी अगर आपने किया, इसके अलावा कोई भी ग्रुपिंग आपने की, तो आपने जो है रिडंडेंट ग्रुपिंग कर दी. तो इसमें एक तो ये दोनों 1 मिलकर बना लिया और एक ये दोनों 1 मिलकर आपका पेयर बना लेंगे. तो आपका क्या आ जाएगा, दिस वन इज योर ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी, ए बार बी सी बार प्लस ए बी डी, ए बी डी. और इसके केस में ये जो होगा आपका, ये आपका क्या होगा, एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट. This is your essential prime implicant. Okay.
तो ये हमारा प्राइम इंप्लिकेंट्स से बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हमेशा ये देखना है कि जब भी आप करोगे प्राइम इंप्लिकेंट, क्या क्या हमें चेक करना है, एक तो प्राइम इंप्लिकेंट चेक करना है, प्राइम इंप्लिकेंट के बाद आप जो है डिस्टिंग्विश वन सेल, मैं स्टेप बता दे रहा हूं इससे आपको इजी हो जाएगा। प्राइम इंप्लिकेंट के बाद आप जो है डिस्टिंग्विश वन सेल बनाएंगे, डिस्टिंग्विश वन सेल के बाद देन आप इसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट ये आप बनाएंगे, ठीक है। तो उससे आपका जो ये स्टेप्स है, इस स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ओके, देन कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, मान लीजिए एक्सप्रेशन दे देगा, कोई भी एक्सप्रेशन एफ इक्वल्स टू ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार सी बार डी बार, ऐसे दे दिया कोई क्वेश्चन और इससे ये पूछ देगा कि इसमें जो है ईपीआई कौन सा है, तो आप क्या करिएगा, इससे आप के में फिल करिएगा और के में फिल करने के बाद आप जो है ये देख लेना है कि कौन सा ग्रुप का कोई एक वन जो है किसी और ग्रुप के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अगर किसी और ग्रुप के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो हमारा क्या आएगा, इसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट कहा जाएगा, ठीक है। कोई भी एक ऐसा वन किसी और ग्रुप के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो आपका इसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट कहा जाएगा। ओके, आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आप स्टूडियोज ब्रिज को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को पुश करिए, कोई भी नोटिफिकेशन जानने के लिए आप जो है बेल आइकन को पुश करिए। और आप अगर मेरा कोड यूज करते हो अभी लाइव तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि 40,000 जो है आपका 24 मंथ्स का है और 25,000 जो है आपका 12 मंथ का, इन दोनों पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये वाला जो अमाउंट हो जाएगा इस पे जो है 10% का डिस्काउंट है और इस पे भी 10% का, तो ये आपका 36,000 हो जाएगा और ये आपका 22,500 हो जाएगा। दिस इज द 22,500, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट मेरा वीडियो आप फॉलो करते रहिए, प्राइम इंप्लिकेंट्स के बारे में आप जो है प्रॉब्लम बनाइए, जो भी डाउट आता है तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपने कमेंट लिख सकते हैं, आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।